सब्जी या सालन पकाने वाले की सैलरी अलग है, पेड़ा बनाने वाले की सैलरी अलग है, आटा गूंदने वाले की सैलरी अलग है। जी हाँ, खाना तैयार, आप चक्के भी देख सकते हैं कि तैयार करने वाले भी कहती हैं। ये अंडर शेव है और दीगर चीज़ें हैं, चिप्स हैं, बिस्किट है, जिस तरह बाहर एक शॉप के ऊपर होता है इसी तरह यहाँ पे भी सिलसिला। इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज की क्लासेस भी हैं और कंप्यूटर क्लासेस भी। अच्छा, किसी भी उम्र का आदमी जो पढ़ना चाहता है खुद से खुशी से, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये देखें रोटी है। आप अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा, ये अलखिदमत वालों के ताउन से हमारे पास काम चल रहा है सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, ये है कराची सेंट्रल जेल। अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई ये ज़बरदस्त पत्थरों की इमारत है और हम यहाँ पर आए हैं आपको आज जेल के अंदर क्या होता है वो दिखाने के लिए और बताने के लिए। तो ये सब मुख्तलिफ मुलाकाती हैं जो यहाँ पे अपने कैदियों साथियों से मिलने के लिए आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है ये और इसकी बड़ी ख़ास खूबियाँ हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी इसी में कैद थी और यहीं पर जरदारी साहब उनसे मिलने आते थे अपने बच्चों के हमरा। तो चलें अंदर चलते हैं और मुख्तलिफ वार्ड्स दिखाते हैं, यहाँ पर कैदी किस हालत में रहते हैं वो भी दिखाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में भी बताते हैं, उनसे भी बात करते हैं, खाना पीना उनका कैसा है वो भी बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि भाई ये कोई घूमने की जगह नहीं है। जो सज़ाएं मिलती हैं ना जिन लोगों को, जो जुर्म करते हैं आम ज़िंदगी में, उनको यहाँ पर कैद रखा जाता है और उनको यहाँ पर सज़ा दी जाती है, किसी को महीनों की, किसी को सालों की और किसी को मौत की। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात। जी व्यूअर्स, तो अंदर चलते हैं और अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। यह दरवाज़ा और यहाँ से हम अंदर आ गए। तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं जेल के अंदर वाले हिस्से में और यहाँ पे एंट्री होती है। ये भाईजान एंट्री करेंगे। फहीम सिद्दीकी नाम है मेरा। अब स्टैंप लगेगी यहाँ पर। और ये स्टैंप लग गई है। चले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे किचन में का सामान वगैरह जा रहा है अंदर, इसकी अभी तलाशी ली जा रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ पुलिस अफसरान तमाम चीज़ें खोल खोल के चेक करेंगे। ये कौन सा सामान? वो सामान है जो अंदर शॉप सामान है जो अंदर जा रहा है कैदियों के इस्तेमाल के लिए। जी हाँ, सकते हैं ये अंडर शेव है और दीगर चीज़ें हैं, चिप्स हैं, बिस्किट है, जिस तरह बाहर एक शॉप के ऊपर होता है इसी तरह यहाँ पे भी सिलसिला। लेकिन उसको भी हम प्रॉपर भेजते हैं, बंदा भी हमारा है, अंदर लेके जा रहा है, अंदर ले आके देगा, वहाँ मैनेज होगा शॉप तक दो। लेकिन तलाशी हर चीज़, जो भी चीज़ जाती है यहाँ से बाहर से अंदर, वो तलाशी के बाद ही अंदर जाती है। चलिए जी, तलाशी हो गई, अब अंदर चलते हैं। ये स्टैंप दिखा दिया हमने और ये दरवाजे से हम इंटर हो गए हैं और ये है अंदरूनी हिस्सा जेल का। और माड़ी वो जगह होती है जहाँ पर आप सेंट्रल जेल से अंदर आते हैं, उसके बाद फिर जो तमाम चेकिंग वगैरह होती है उसके बाद वो जगह माड़ी कहलाती है, दो गेट के दरमियान। तो अब माड़ी से हम अंदर आ चुके हैं, हमारे साथ जो है हम यूट्यूब बाई मशहूर है। तो ये किचन है जी, मेन किचन ये है हमारा। सही, उसके बाद यहाँ से आप ये देख रहे मूवमेंट हो रही है राइट लेफ्ट साइड पे। जी जी जी, ये मुख्तलिफ वार्ड्स हम बने हुए हैं जेल के। सबसे पहले हम आपको किचन दिखाते हैं जहाँ किचन में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है लंच। सही, हमारा ये टाइम जो है लंच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 12:30 तक, लाजमी लंच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही, सुबह से मंगना शुरू होता है, 7,000 लोगों का खाना अपना आसान नहीं। खाने की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है हमारी? खाना बांटने के फौरन बाद जब गाड़ियाँ चली जाती हैं तो फौरन सफाई होती है। अच्छा, ये आपको मैं मेन्यू दिखा दूँ, ये मेन्यू है हमारा हफ्तावार मेन्यू ये लगा हुआ। अच्छा, ये खाना जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है थ्रू कॉन्टैक्ट।
खाने का टेंडर होता है, वो कॉन्ट्रेक्टर के जितने भी होते हैं, टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रेक्टर को दिया जाता है खाने के लिए। अच्छा, काम जितने भी यहाँ पे कर रहे हैं वो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, क्योंकि बाहर से आना जाना जो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होती है उसमें हम बाहर के लोगों को नहीं देखते, तो कन्विक्टेड प्रिजनर्स सारे यहाँ पे मौजूद जो हैं, जिनका हमने देखा जाता है कि बाकायदा की क्या कैरेक्टर है, क्या डिसिप्लिन है। उसके बाद उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर क्लियर करता है, सर्टिफिकेट देखता है, ठीक है, मेडिकल की सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ये इनका यूनिफॉर्म है। अच्छा, इन कन्विक्टेड कैदियों को जो है तनख्वाह भी मिलती है कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू, ये नहीं कि फ्री में काम करते हैं, और इनको बल्कि एडवांटेज ये है कि इनको काम करने की तनख्वाह भी मिल रही है और रिमिशंस भी मिल रही है, क्योंकि ये सजाई याफ्ता कैदी है, तो इसमें ये अपनी फैमिलियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ से, जो भी उनको सैलरी मिल रही होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आज जो खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था चिकन कोरमा, दोपहर में ये है खाना। आप लेट आए वरना जो है हम आपको बांटते हुए भी दिखाते कि किस तरह से तरीका है। ये आलू है, ठीक है ना, बोटी भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको तैयार करने वाले भी कैदी हैं? जी हाँ, खाना तैयार, आप चक्के भी देख सकते हैं कि तैयार करने वाले भी कैदी हैं। और ये मेन्यू आपको मैंने दिखा दिया कि एक हफ्ते ये मेन्यू चलता है पहला वाला, उसके बाद दूसरा मेन्यू दूसरे हफ्ते, फिर दोबारा जो तीसरे हफ्ते वो पहला वाला मेन्यू आया। मेन्यू आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, आप चखें, सालन चखें। आप हमें बताए बगैर आए, अचानक ही वरना हम पता ना कि आपको चेक करा देते, बाकी भी दीगर लोग आपकी तरह आते हैं वो चेक करते हैं। खाने के मामले में हमारे पास कोई कंप्रोमाइज नहीं। सही सही सही, चलो अंदर दिखाएंगे किचन वगैरह। आप बड़े बड़े पतीले ये जो धुल गए खाली हो गए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इन बड़े बड़े पतीलों में रूटीन में खाना पक रहा होता है। अच्छा, तो ये बड़े पतीले 7,000 लोगों का खाना पकना है, तो आसानी होता है, घर में भी छोटे से, गैस का इशू भी अलग है, हमारे पास भी इसी तरह प्रॉब्लम है, तो मेन चीज यही है। मेरी कोशिश होती है सुबह नाश्ता बनाने के लिए भी तकरीबन 3-3.30 बजे से लोग खुल जाते हैं, ताकि वो खाना नाश्ता उनका बन सके, और नाश्ता करने के बाद वो कोट जाते हैं सारे, यानी कि वो खाली पेट भाग रहे हैं। इस तरह का मैं आपको बता दूँ, बढ़ गया है खाना, इस तरह ये जो ड्रम है इसको जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं, इस तरह सालन इसमें डाल के डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर बैरक में, हर बैरक का टोटल लिखा होता है, आप अगर इसको घुमा के देखेंगे हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हर बैरक का हर डोल के ऊपर टोटल लिखा हुआ होता है, जितने लोग होंगे उतनी बोटियां और उतने ही आलू जाएंगे। अगर एक बैरक में 150 लोग हैं तो 150 आलू होंगे उसके अंदर और 150 ही बोटियां होंगी, ताकि तमाम कैदियों को वो मिल सके, मिल सके। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अभी शाम की चाय जो बटने वाली है 4 बजे, तो उसका पानी अभी से गर्म होगा, अभी से शुरू हो गया। जी हाँ, वो पानी क्योंकि बाहर सी बात है, गैस का इशू अलग है, गैस का इशू अलग, पानी आराम से तो गर्म नहीं होता इतने बड़े बड़े पतीलों में, इसमें पानी गर्म हो रहा है इतने बड़े पतीलों में। ये देखें भाई पतीले, ओ हो, पानी से भरा हुआ है भाई। इसमें बाकायदा चाय बनाने से पहले पहले जो है वो जब ये शीरा भी यानी चीनी इसमें डाल के ही घोली जाती है, ताकि आराम से घुल जाए। अच्छा। और गरम जो है गरम पानी में आराम से चीनी घुल जाएगी, फिर दूध डाला जाएगा। मैं भी आपको दूध भी दिखाया, अंदाजन कितने हजार कप रोजाना बनते होंगे चाय? ये तो मैं 1000 कप के हिसाब से कप तो गिनने से रहा, लेकिन 7,000 लोगों की चाय, 7,000 लोगों की, 7,000 लोगों की चाय बन। और दिन में कितने टाइम बनती है? एक ही टाइम, ये सुबह की मतलब अलग है, शाम की अलग है। अब ये शाम की तैयारी, ये शाम की तैयारी, रात में तैयारी शुरू रहती है बजट से पहले, बैरक अलग है जो किचन में काम करने वाली कैदी है, उनकी आम कैदियों के साथ बैरक नहीं होती, क्योंकि इसी किचन के साथ अलग बैरक बनाई जाती है उसी में। अच्छा, जो जितना काम कर रहा है उसको वही सैलरी है, यानी पर आवर जो जितना करेगा, तंदूर पर रोटी पकाने वाले की सैलरी अलग है, सब्जी या सालन पकाने वाले की सैलरी अलग है, पेड़ा बनाने वाले की सैलरी अलग है, आटा गूंदने वाले की सैलरी अलग है। अच्छा, ये सैलरीज जो उनको मिलती हैं, ये अंगूठा इनके लिए जाते हैं, और ये उनकी फैमिलीज की जो भी ये नाम बताते हैं बाहर से आने वाले मुलाकात पे, बीवी है, माँ है, बहन है, बेटी है, तो उसको ही तनख्वाह हमारा सिपाही ले आके उनको देता है और उनसे इन राइटिंग लेता है। ये महीने की बुनियाद पे, महीने की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे, जो उनकी फैमिली मुलाकात पे आ रही है, डिपेंड कैदी के ऊपर है, उस कन्विक्टेड कैदी के ऊपर, जबरदस्त वो अपनी किस को देना चाहता है तनख्वाह। बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है, वही चीनी के, इससे हमारा जेल में कोई ताल्लुक नहीं है। जी हां। अच्छा, ये आपका तंदूर है जहाँ पे रोटियाँ वगैरह तैयार होती हैं? जी हाँ, ये तंदूर वगैरह है, वहाँ से आप ले सकते हो। आप ये एक सिंगल तंदूर नहीं, हमारे 5-6 तंदूर है, 7,000 लोगों का खाना पकाना है। लेकिन चूंकि दोपहर का खाना तैयार हो चुका है, इसलिए सब बैठे हुए यहाँ पे मजदूर, यहाँ पे तो एक तंदूर पे 7,000 लोगों का तो खाना नहीं पकता। हमारे पास अंदर भी है तकरीबन 4-5 तंदूर और है अंदर, ठीक है ना, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जो आए थोड़ा सा
खाया था जहाँ हमने रोटी थोड़ी बहुत पकड़ी। अब ये तो आइए और आगे चलते हैं। खाना बढ़ गया। अब जो स्टाफ काम कर रहा था यानी जो कैदी काम कर रहे थे अब वो खाना पका रहे हैं रोटियाँ अपने लिए। अंदर देख रहे हैं आप यहाँ पे रोटी बन रही है। ये सब कैदी है सारे के सारे जो रोटी पकाने में मसरूफ है। सात तंदूर अब ये खाना पका रहे कैदियों के लिए जो अंदर बाढ़ चुके हैं उनका हट के अभी अपने लिए खाना पका रहे हैं ताकि ये लोग भी खाना खाए। ये देखें रोटी आप जबरदस्त बेहतरीन काम हो रहा है भाई। मजीद आगे चलते हैं मजीद देखते हैं मजीद बैरिक्स में क्या हो रहा है। विसल बज गई है और आगे अलार्म कर दिया गया है। जी जनाब बताइएगा ये सिपाही है जो हम जा रहे हैं आगे तो हमारी जाती बात है डिसिप्लिन वाली जो सिस्टम है जेल का सीटी वजह से वो आगे चलता है कोई भी अफसर आ रहा है या जा रहा है। हम जहाँ किस जाने पर आएंगे बताइएगा। हम जा रहे हैं अभी आपको अपनी क्लासेस दिखा रहे हैं फाइन आर्ट्स की क्लासेज है रेगुलर एजुकेशन क्लासेज हैं हमारे पास। हमारे पास कंप्यूटर क्लास हैं हमारे पास जो है लैंग्वेज क्लासेज हैं चाइनीज और इंग्लिश और अरेबिक वो भी सिखाई जाती है बाकायदा कंप्यूटर क्लासेज हैं। साही एक हमारे एनजीओ है उसके तवस्सुत से क्लास चलती है जो क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ताकि इंसान को किस तरह से जुर्म से दूर रहना चाहिए वो चैप्टर्स हैं। दूसरा हमारे पास बेसिकली जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता वो यहाँ उसको हम सिखाते हैं अलीफ बे से लेके उसको हम यहाँ तमाम तालीम दी जाती है। लोग यहाँ से मैट्रिक भी कर रहे हैं इंटर भी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। साथ हमने सेफ्टा वालों के तवस्सुत से एक तावन से हमारे पास दो क्लासेस शुरू की गई हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिशियन का कोर्स और प्लम्बिंग का कोर्स भी सिखाएंगे। अच्छा तो वो पहला बैच अभी हमारा निकलेगा कुछ अर्से पहले उसका इफ्तिताह हुआ है अभी क्लास चल रही है तो हम दिखाएंगे क्योंकि बाहर से टीचर आते हैं उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। तो चलें क्लासरूम देखते हैं भाई जहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं और ये सब कैदी यहाँ पर हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। उम्र की कोई भी कैद नहीं है किसी भी उम्र का आदमी जो पढ़ना चाहता है खुद से खुशी से हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो फिल्मों में और बाहर एक कॉन्सेप्ट अलग बना हुआ जनाब पत्थर तोड़ते हैं ये करते हैं लेकिन हम यहाँ पे उनको एक स्कूल की सूरत में यहाँ से एजुकेट करके भेजना चाहते हैं मार्च में जाए और अच्छा इंसान बन जाए जाने अनजाने जो भी इनसे गलती हुई है वो ये जाने अल्लाह जाने हम इनके केयर टेकर। तो कौन कौन सी तारीख में यहाँ से टीचर बाहर से आते हैं पत्थर तोड़ने के बजाय अल्फाज बड़े अल्फाजों को तोड़ तोड़ के छोटे बना के उनको समझने में मदद दिलवाते हैं। अच्छा ये साही है जो एनजीओ जिसका मैंने जिक्र किया ये उनकी जानिब से टीचर है बाहर से आते हैं। ये हमारे यहाँ क्रिमिनल फॉरेस्टर प्रोग्राम कराया जाता है जो इनकी साइकी को हैंडल करता है इनकी क्रिमिनल साइकी को हैंडल करता है। इस कोर्स की अफादियत ये है कि जो लोग ये कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं फोर स्टेप वो दोबारा जेल नहीं आते। अच्छा हम 17 साल से यहाँ काम कर रहे हैं 2007 से। उसकी ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स की आमतौर पर 3-4 महीने में एक शख्स कर लेता है फोर स्टेप प्रोग्राम का। 6 और ये इनकी बाहर की जिंदगी में किस तरह से कारामा ये एक्चुअली जो फोर स्टेप प्रोग्राम है इस पर कम्युनिकेशन करना हम सिखाते हैं कि आदमी अपने मसाइल को कन्फ्रंट कर सके उनका सामना कर सके फिर लिखने पढ़ने के हवाले से जो है वो दूसरा स्टेप है सीखना कैसे सीखा जाए। तीसरा स्टेप मॉरल कोर्स के हवाले से जिसमें 21 के करीब उसूल हैं कि लाइफ में क्या चीज़ आपने करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है डू और डोंट्स के हवाले से फिलॉसफी है उसमें। और चौथा कोर्स जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर को पहचानना कि जिन लोगों से कनेक्शन की वजह से ये यहाँ पर आ गए उस चीज़ को हैंडल करने में मदद देता है। जबरदस्त जबरदस्त हमारा यूट्यूब चैनल है ये रोज रिपोर्टर मैं फोकस करता हूँ।
ये आप स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, आने का वक्त भी लिखा हुआ है, तमाम तफसीलात इसमें मौजूद हैं। चले अगली क्लास में चलते हैं। अगली क्लास जो मैं आपको दिखाता हूँ ये अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा ये अलखदमत वालों के ताउन से हमारे पास काम चल रहा है सिस्टम। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज की क्लासेस भी हैं और कंप्यूटर क्लासेस भी। अच्छा, कंप्यूटर क्लासेस जो है शॉर्ट कोर्सेज हैं वो अंदर हम आपको तफसीली बताएंगे, लेकिन वो टेक्निकल बोर्ड से एफिलेटेड है उनका सर्टिफिकेट। लेकिन उस सर्टिफिकेट के कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि ये जेल से आए हैं, जेल में उन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया। ये हमारी अभी कौन सी क्लास होगी? इंग्लिश। इंग्लिश आ जाए, हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास दिखाते हैं क्योंकि टाइम डिस्ट्रीब्यूट है। ये दोपहर जोहर के बाद जो है फिर वो चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है जोहर से फारिग होकर चाइनीज़ लैंग्वेज ख़त्म होने के बाद जो है अरबिक लैंग्वेज शुरू हो जाती है। अभी इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी क्लास हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे एज की कोई वो नहीं है पाबंदी हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग हैं यहाँ पे और वो पढ़ भी रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं, और जो काम ये बाहर नहीं कर पा रहे होते बिजी होने के बाद, तो हमने इनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे सीखें पढ़ें और कुछ सीख कर बाहर जाएँ। जो भी जाने अनजाने हादसाती तौर पर यहाँ पे आ गए वो अल्लाह जानता है, ये लोग जानते हैं तो, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो भी गई हो यहाँ से सुधर के जाए ताकि माशरे में जाके फिर दोबारा से एक अच्छे इंसान की तरह काम कर सकें। और जो अगर कोई फितरतन जुर्म कर रहा होता उसकी फितरत में, वो तो कोई भी नहीं बदल सकता, माँ बाप भी अपनी औलाद की फितरत नहीं बदल सकते। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या तरीका है, किस तरीके से सिखाया जाता है, सिर्फ बोर्ड के जरिए या मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही है? स्क्रीन के जरिए भी सिखाते हैं और बोर्ड के जरिए भी सिखाते हैं और उन्हें बाकायदा इस तरह गाइड करते हैं कि यहाँ पर जो से भी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, जो आधी स्टूडेंट आधी भी होते हैं जेल में आने जाने का क्राइम का, वो फिर नहीं आए यहाँ से, जो पढ़े हैं वो फिर रिटर्न नहीं आए। सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी ये है कि पढ़ के कुछ सीख के चले जाते हैं और रिटर्न नहीं आ जाते यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और साथ साथ हम कंप्यूटर क्लास सिखाते हैं, आपको ये भी बताता जाऊँ कि हम यहाँ पे जेल के अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं। अच्छा, जैसे अरबिक तो ये हो रहा है कि लैंग्वेज की सूरत में, लेकिन हम यहाँ कुरान पढ़ना भी सिखा रहे हैं, हिफ्ज़ करना भी हो रहा है। अभी जैसे आपने ये टीचर देखा, ये हमारे खाली साहब इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और ये खाली साहब हमारे हिफ्ज़ भी करा रहे होते हैं लोगों को। अच्छा, इनकी एक अलग क्लास है, जब ये यहाँ से फारिग होके जाएंगे तो वहाँ पे ये दीनी तालीम भी दे रहे होते हैं। अच्छा, है ये कन्वर्टेड कैदी, सही, ठीक है ना। जो भी इनका मैटर था वो हवाले से हम नहीं कह सकते, लेकिन एक आदमी सुधरना चाहता है तो वो अच्छी बात। अब अलखिदमत फाउंडेशन वालों की तरफ से ये सिस्टम तो पूरा चल रहा है, लेकिन इसमें वो बाहर से भी टीचर आता है और हमारे पास अंदर प्रिजनर्स भी जो है वो सीख गए। अब ये टीचर है, ये आपको बताएंगे, ये भी प्रिजनर है लेकिन इन्होंने भी यहीं से सीखा और उसके बाद में अलखिदमत ने इनको एज टीचर रखा हुआ है अपने पास। आपका नाम क्या है? जी अख्तर हुसैन। अच्छा अख्तर, बताइएगा क्या सिखा रहे हैं आप यहाँ पे? ये हम यहाँ पर जो है ना चार कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है ना सर। एक हमने किया CIT सिखा रहे हैं, ठीक है। इस CIT में जो है ना हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी जो है ना एज की कोई भी जो है ना वो नहीं है, छोटे से बड़ा जो भी है वो यहाँ पर आ रहा है, पढ़ रहा है। और ग्राफिक्स सिखाई जा रही है जिसमें एलिस्ट्रो, प्रीशॉप, फोटोशॉप वगैरह सिखाया जा रहा है। और इसके अलावा लैंग्वेज हम सिखाई जा रही है, इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज सिखाई जा रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ना 7 शिफ्टें हैं इसकी, और हमने ये सिम बोर्ड टेक्निकल से एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन है। और इस जेल की खास जो हम जो मंच पे है जिसमें कोई बंदे का सर्टिफिकेट में जेल का जिक्र नहीं है, सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। Sure. ये मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है, सही। इसमें जो बंदे का इसमें जेल का कहीं जिक्र नहीं है कि ये जो जेल में सर्टिफिकेट जो है ना करके आया। अच्छा अच्छा, तो हम ये अलखिदमत और जेल के इंतजामिया के बहुत मशहूर है जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, आपने खुद भी यहीं सीखा है? जी हाँ, मैंने खुद ने भी यहीं से भी सीखा है मैंने। और आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 4 years, 4 साल। 4 साल, आप किस उसमें? मेरा पर्सनल केस है। अच्छा, चलें। पेंटिंग वगैरह का काम भी सिखा रहे होते हैं और म्यूजिक क्लास भी। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से लोग चेंज होके जाएँ, क्योंकि रिवाइट की अंदाज से हमने जेल को नहीं किया, हमने थोड़ा सा चेंज किया है, कलरफुल बनाया, ग्रीन भी आपको यहाँ जेल में नज़र आएगी। और हमने दीवारों को भी कैनवस की सूरत में यूज़ किया हुआ है कि दीवार भी जो है वो कैनवस की सूरत में काफ़ी जेल में खूबसूरती भी आ जाए, लोगों को रंग से और हरा भरा देखने को, पौधों से थोड़ा सा
फितरत में थोड़ी चेंजिंग आती है दिलो दिमाग में, या कहते ना कि चेंज लाते हैं, कहा जाता है कि माहौल से ही बहुत असर पड़ता है, माहौल से बहुत असर पड़ता है। हमारी कोशिश ये कि जेल में आप देखिएगा हर जगह सफाई भी नजर आएगी, डिसिप्लिन भी नजर आएगा। लेकिन एक बात इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए जेल जेल है, आज़ादी एक नेमत है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। लोग जो है वो आप लोगों के तवस्सुत से देखते हैं, समझते हैं बस जेल। ये हमारे